सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिजाइनर बेबी फ्रॉक बनाएंगे फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर के फैब्रिक लिए हैं। ब्लैक और ब्लू फैब्रिक हमने 1 मिलीमीटर लिया है और पीच कलर का फैब्रिक है वो हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने 12 इंचेस लिया है। शोल्डर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 6 इंचेस और यहाँ से आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 6 इंचेस। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। चेस्ट की ब्रॉडनेस हमने यहाँ पे 8.5 इंचेस लिया है। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की ब्रॉडनेस हमने यहाँ पे 8 इंचेस लिया है। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल में राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करेंगे। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की ब्रॉडनेस और लेंथ हम लेंगे। नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे 2 इंचेस लेंगे, मार्क करेंगे, और नेक की लेंथ हम 5 इंचेस लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक होगा। 5 इंच पे मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और आर्म होल में राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब बैक पार्ट की नेक की ब्रॉडनेस भी हम 2 इंचेस लेंगे और नेक की लेंथ हम 3 इंचेस लेंगे। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद दोनों पार्ट की नेक वो हम कट करेंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया है, इसके नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे। इसी तरह नीचे भी हम सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कट करेंगे। दोनों पार्ट को हमने इस तरह कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट के साथ हम 1 इंच स्ट्रिप अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को हम राइट साइड रखेंगे और इसके ऊपर स्ट्रिप को इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह दोनों पार्ट में हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब दोनों पार्ट को हम इस जीप के साथ अटैच करेंगे। जीप को ओपन करेंगे और दोनों तरफ हम दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। जीप की बॉर्डर और टॉप पार्ट की बॉर्डर को मिलाते हुए हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हम इस जीप के साथ अटैच कर लेंगे। जिस तरह इस पार्ट में हमने जीप को अटैच किया है उसी तरह दूसरे पार्ट को भी हम अटैच कर लेंगे। दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हम यहाँ पे
हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अब जिप को हम ऊपर की तरफ करेंगे और नीचे की तरफ हम सिलाई लगाते हुए जिप को अटैच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जिप की स्ट्रिप है, इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। और ये जो एक्स्ट्रा सिलाई है, इसे हम हटा लेंगे। अब दोनों पार्ट की नेक पे हम पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की स्ट्रिप ली है जो क्रॉस में कटी हुई है। इस स्ट्रिप को हम नेक पे राइट साइड इस बॉर्डर पे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट में भी हम पाइपिंग बनाएंगे। दोनों पार्ट की पाइपिंग हमने बना ली है। अब यहाँ पे मैंने बॉटम पार्ट के लिए इस तरह के 3 पीसेस लिए हैं जिसकी लेंथ हमने 8 इंचेस लिया है। तीनों पार्ट की लेंथ हमने सेम ही रखा है 8 इंचेस और उसकी चौड़ाई है, ऊपर का जो फैब्रिक है उसकी लेंथ है चौड़ाई 1 मीटर और ब्लैक कलर का फैब्रिक है उसकी लेंथ 1.5 मीटर और पीच कलर का फैब्रिक है उसकी लेंथ 2 मीटर हमने लिया है। इसी तरह के दो दो लेयर हमने यहाँ पे 3 पीसेस लिया है। इस तरह के दो दो लेयर हमने लिए हैं तीनों पार्ट में। ऊपर का जो पार्ट है उसे हम हटा लेंगे। ऊपर का जो लेयर है इसके बॉर्डर पे हम बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे एक धागे को पकड़ के खींचेंगे और गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह की गैदरिंग हम टॉप पार्ट की ब्रॉडनेस के हिसाब से बनाएंगे। तो इसी तरह हमने दोनों पार्ट में गैदरिंग बना ली है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को इस तरह उल्टा रखेंगे और यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इस तरह मैंने टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब दूसरे दो लेयर है इसके ऊपर की बॉर्डर पे हमें रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरे पार्ट पे भी हम इस तरह 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इस पार्ट को हम इसके ऊपर से हमें इसे अटैच करना है। जो सिलाई वाला पार्ट है फोल्डिंग वाला, इसे इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे बारीक प्लेट्स बनाते हुए हम इसे अटैच करेंगे। इस तरह की बारीक प्लेट्स बनानी है पूरी लेंथ में। ब्लैक पार्ट अटैच होने हो जाने के बाद पीच कलर का पार्ट है इसको भी हम इसी तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह की बारीक प्लेट्स बनाते हुए इसे अटैच करेंगे। इस तरह मैंने दोनों पार्ट में तीनों लेयर को, बॉटम पार्ट का तीनों लेयर को अटैच कर लिया है। फ्रंट पार्ट में हम
वो टॉप पार्ट के ऊपर रफल अटैच करेंगे। रफल के लिए मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रिप ली है, जिसकी लेंथ हमने 3 इंचेस लिया था दोनों बॉर्डर को फोल्ड करते हुए। इसकी लेंथ हो गई है 2.5 इंचेस और इसके सेंटर में हमने बड़े नंबर वाली सिलाई लगाई है। सभी स्ट्रिप की लेंथ हमने 43 इंचेस लिया है। सभी स्ट्रिप के दोनों तरफ बॉर्डर हमने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है और सेंटर में बड़े नंबर वाली सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे एक धागे को पकड़ के हम गैदरिंग बनाएंगे, इस तरह खींचना है। धागे को इस तरह खींच के हम गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह का रफल हम तैयार करेंगे। सभी स्ट्रिप को हम इस तरह के रफल बनाएंगे। इस तरह का रफल हमने बना लिया है। अब हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस तरह सभी रफल्स को हम इसी तरह 1 by 1 अटैच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में रफल हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। और शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग के लिए यहाँ पे मैंने क्रॉस में कटी हुई स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई है 1 इंचेस। इस स्ट्रिप को इस तरह राइट साइड इस बॉर्डर पर अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनाएंगे। दोनों तरफ हमने आर्म होल में पाइपिंग बना ली है। अब फ्रॉक के दोनों पार्ट को मिलाते हुए हम फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए यहाँ पे मैंने रिबिन लिया है। इस रिबिन को हम अंदर की तरफ इस तरह यहाँ पे अटैच करेंगे। फ्रॉक की फिटिंग करते समय हम इस बेल्ट को अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे और नीचे की बॉर्डर है इसे रॉन्ग साइड टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारा डिज़ाइनर फ्रॉक रेडी हो चुका है फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।